बैठे करो बैठे करो इन्हें बैठे करो। अरे भाया अरे दल्ली आगे बैठो जा ओके दौड़। अरे बैठो जा अरे काय सो तुम हो पेंट करो। अरे पेंट आटी जा पेंट आटी। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम जी कॉन्ट्रैक्ट करो कि 3 बज के दिल्ली आगे उठो बैठिए जाओगे सब। थोड़ी देर की बात और तो फिर सब 12 महीना 5 महीने और आज भी आप लोगों से एक निवेदन और करूंगा। मैं देख रहा हूं हर साल लाता हूं पिछली बार नहीं आया आप लोगों के दर्शन नहीं हुए मुझे। बाकी दिन ब दिन वैसे तो यात्रा बढ़ती जा रही है लेकिन अगली बार मैं चाहूंगा आप सभी भक्तों से कि अपने साथ में एक एक दो दो और लेके आए और वो ठेठ पीछे रोड तक यानी कि जहां रोड है वहां तक ये पाइप पांडाल लगे बिल्कुल बराबर और उसमें खचा खच पूरी यात्रा भरी रहे। तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी से जो जगदम्बा की यात्रा में आते हैं कहीं है तो पहली बात तो कहीं करेंगे यहाँ झूमगे फिर तंग खाऊंगी। अब आप आस्ती मोटे आ रही इज्जत पर यहाँ डरपा चाक भाई जा कोई लुगाई का अड़क जाओ गलती है से वो आस्ती समझदार फिर भी नहीं खेलो। अरे भाई कोई बात कर बैठ जा तू बैठ जा ले भाई उन्हें जरा सी जगह दे दियो वो सरकती 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 आगला सु अशी कर दे थे पूरी सीट में पसर जाए जो आगला ना थोड़ा ही होनी पड़े फिर पाइप पकड़ लिया भाई। अरे तो मारी बात सुनो लुगाई के साथ छोरा छोरी कतरा सारा सिस्टम रहे थे बैग बैग सब तो करनी पड़े थे। अच्छा अरे हमने मोटे आर तो यही पर था सुना ही और गाय थी तो सुना रोज डांस दे तो अशोक भाई पर बावली तो नहीं है ध्यान बनिया अगर मैं मोटियारी नहीं हूँ वहाँ तो न तो थाना चौधरी की जरूरत न परस की जरूरत ठेला था बेटा कहीं जरूरत बने तो मोटियार सुई तो था कि कारोबार फैले थे मतलब कारोबार फैले यार भाग जाओ तुमने कौन भागा छाती तक बोल रहा थोड़ी ना छोड़ थोड़ी जाऊंगा खड़ी कर बड़ा कोई देख मांगो सब बैठिया खड़ो हो गए देखो वो सल रहे देखो काई सल रहे मैं तो कहीं से पहाड़ का दाना ढूंढ पड़ रही तुम्हारी ये गलत बात है दुगाया सुती दे मोटे सो का नहीं मेरी तो ऊपर आ उठो उठो यात्रा आगे जारी से। हाँ देखो बैठे जाओ 3 बज का भी थोड़ी देर की बात और तो मैं आराम सुते झंडा के ला रहे नहाए धोए कर रहा ना जाजू सामान से बैठ लियो अपना अपना रे जाओगे नहीं तो कहते राम फूल काका। हाँ अरे उठाओ ना जो बैठी थी तो उठाओ झूठे पर उठा दियो। हाँ हाँ ये नहीं उठा तो देखो ना लड़िया उठी जरा तो ना लड़िया उठी रे यात्रियों से निवेदन है जो जगह हुए कृपया आपके पास में जो सो रहे हैं उनको थोड़ा बैठे कीजिए। 3 बज चुकी है थोड़ी देर की मामला हो रहा है उसके बाद में आप सब अपने अपने धाम को चले जाएंगे हम भी अपनी जगह पर चले जाएंगे और हो सकता है अगली बार हम आपसे मिले या नहीं मिले कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आदमी पग पग रखता है ये कलजुग है इस कलजुग में एक एक पैर रखने का पता नहीं है इंसान का जिंदगी का अगले साल का तो क्या वादा करूं आपसे लेकिन गुजारिश करूंगा एक बार दोनों सब जितने भी सोते हुए आप सब खड़े हो जाइए बिल्कुल बैठे हो जाओ कमरे कौन है चिंता मत करो अरे लुगाई करी बोले यार कहीं करो ही यार नहीं तेरा डिपार्टमेंट को जा ये देख थारो डिपार्टमेंट जाए बीच में खिलाड़ कर मिले जाते देख कण को सरसों दे लगी ने देख ले अपन ने तो मोटियार अरे सरसों खिलाड़ को करा बैठी करो बैठी जाओ मैं बैठी और नहीं सुनी ए जदी तू फिर मां ये मोटियार में क्यों आई देखो यो अलग अपना अपना डिपार्टमेंट यो था वो डिपार्टमेंट से पाइप से इस साइड आपका इस साइड हमारा तू एक तो बहुत कम बोल रहे थे कब कर बोलो बहुत ज्यादा बोल सिखा इससे मतलब बहुत कम बोले थारी सुबह क्योंकि आदमी क्या है कि ऐसे सिस्टम बना रखा है इन्होंने कि जैसे जहां से जरूरत है उनके अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो अपनी अपनी जगह बैठे हुए लेकिन निवेदन करूंगा प्लीज आप सब बैठे रहे ऐसे नहीं आपको लगे उसकी कसम है आपको बैठा होना पड़ेगा भी फिर बाद में नहीं सो आप यात्रा जाओगे उसको जय जोश आएगा सारे जी आई चंडो रवाना जाए सब सो जय बड़ा बार बैठे जाओ थाना लागे जी की सो गए जब देखो कहीं न घूमा अरे भाई हाँ बैठ जाओ छोरा मोटे और मोटे सब बैठे जाओ कतई
पसर का तुम एक नारा ना कर यार, यार कहीं करो तो बैठे जाओ सब सब मैं मानता हूँ कि भाई आप लोग थके हुए रहते हो, यात्रा करते हो, पैदल चलते हो, लेकिन ऐसा मत करो यार, मैं तो आज आज ही कहेंगे खाने कौन से काम आ रहा है। तो थका था, थक लाल लाल चल रहे थे बेबी, है दिन में चल रही, रात में चल रहे था। पागल से पागल है उल्लू, तो मैं उल्लू जदी तो ना उल्लू बना रहा कुछ मत होइए। बैठी कर फटाफट, अरे तो मेरी होगी, इतने के पसली जाएगी क्या? आगे बैठ रही है, मत कर बुकुर पाया, उठो भाई भाई, तो मुन्ना खेलूंगी खेल रहा भाई जी जी, उठो उठो ये भाई, बात खराब कराओ नहीं, कहे बैठिए जाइए ये मोटियार, वो बात मत खराब कराओ, सो जाओ सब, ताकि सरकार तो यूं भी सोए डीजे। देखो राधिका जी कैसे मोटियार, अगर जाग तो रहे तो नहीं तो इंडिया सबसे आगे हो, तो क्यों इंडिया का पीछे से पीछे ही जोर फिर बावली, इंडिया को तो सिस्टम बहुत खतरनाक से, देख इंग्लिश में कहेगा आई डोंट लाइक यू आर कैन गो, कहीं बोलोगो कहेगा आई डोंट लाइक यू कैन गो, इंग्लिश में कत्तो शब्द लगाइयो आई डोंट लाइक यू कैन गो, अरे आपने कोई क्या की जरूरत है, तो इंडिया तो इंडिया ही है, बस यही कर बम रह गया, कहीं कर बम रह गया, आज बताइए हमारा इंडिया कैसे पीछे, सब चीज में फाटे थे ये छोड़ी पड़ी था एक सरकार, ये तू मराठी मत जाके पगा बढ़ती देख, पगा बढ़ती पाचा जहां गुंडी, देखो तने पहले का है क्यों तो भाई, ये पाइप जो उल्टी की साइड था की और अंडी की मारी, मेरा सब उठ गा था, सो ज्यादा मारी बैठी चाहे नहीं, वो तो सही तो पड़ी हो, काहे तो थोड़ा सो गयो वायरस पड़ेड़ो तो बीच में वायरस कहीं सारा सिस्टम खराब कर मिले, चलो कोई बात को ना, नहीं ऐसे नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मेरा तो काम है, मैं तो पूछ जाऊंगा कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है कि जब आप बैठे हो पूरी रात्रि भर से जगदम्बा की हाजिरी दे रहे हो, तो अब दो घंटे के लिए एक घंटे के लिए क्यों परेशान, मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो, ये तो झंडे के आगे चलने वाली बात हो गई, आप लोग सब सो गए हैं, फिर तो ये सोच लिया अगर कोई राणो से कहा झूठ थोड़ी बोल ले, ऐसा मत करो, बैठे हो देखो सर, हाँ जी राधिका जी चलो कोई बात नहीं है, आराम करने दो, और जो जगह वे कृपया आप भी सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम करते रहेंगे हमारा काम, टेंशन नहीं, हाँ जी बोलो बोलो जी, बोलो थे तो बोल रहे त्रिपाठी, बोलो, तू बहुत देर से कह रही थी इंडिया पीछे थे, इंडिया पीछे थे, लेकिन एक बात बताऊंगी आपको, इंडिया में अगर ये मर्द नहीं होते तो आज अंग्रेजों का शासन नहीं हटता, नहीं हटता, लुगाया कोई काम नहीं, अरे था मोटे राग लारा लारा, सबसे पहले तो मैं आया था, अच्छा ठीक, कहीं तुम झंडो गाड़ दी, हाँ तो कहीं गाड़ दिया, मैं तो लठ देर गटे था, झंडा थोड़ी गटे था, मैं तलवार लेर गटे था। एक बात बताऊंगी आपको, आज अगर 1947 में ये मोबाइल होता ना, मोबाइल हाँ, तो हमारा देश आजाद नहीं होता, क्यों? उस टाइम भी लोग बाग व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते, आप इसको इस तरह से भेजिएगा आगे हमारा देश आजाद हो जाएगा, ऐसे होता है सर, ऐसा नहीं है, आप मुझे कुछ प्रूफ दो कि भाई आपने ऐसा क्या किया अब तक, माने मैं नारी शक्ति का पहली बात तो, अच्छा हाँ, मां पुरुष शक्तों से मोबाइल क्यार मतलब कहीं कर, अच्छा हाँ तो बात ठीक पड़ जागो, क्योंकि मोबाइल की साइज कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, साइज तो सिम की होती है, कभी तीन टुकड़ा कभी चार टुकड़ा कभी बीस, बताओ क्या किया, काई? क्या किया तुम औरतों ने अब तक, माँ में बड़ी बड़ी शक्तियाँ हुई जाए, अरे तो कौन सी थी एक तो बता दे, एक नहीं कई बता दूंगी, कौन कौन है, पहला नंबर पे सुनो, कहने का मतलब तुम्हारी शक्तियाँ है, शक्तियाँ से बड़ा बड़ा आविष्कार कर दिया, आविष्कार थे जिसे पैदा कर फेंक दिया, आसाराम बापू को भी तुम नहीं पैदा करो, कोई बात कौन करो और करो, पहला नंबर पे सुनो, हाँ जी, सबसे बड़ी ओके महाशक्ति महामाई दुर्गा मैया, ओके क्या करती है दुर्गा मैया, पहली बात तो वह शेर पर बैठे थे, ताको कुर्सो देव तो जो शेर पर बैठ जाओ, मगर सांड पर बैठे टाइम पास करे, डरपोक जो जिसु नहीं पावरफुल से, काय को पावर है, शंकर भगवान भोलो नाथ से आग लागी सवारी जजर जिच्छा पड़ जाए बंडो और निकल जाए, है और थारो शेर गुलेर माता जी आ जाओ गलती सु,
तो वन विभाग को फोन करनी पड़ेगा, भाई शेर आगो पावर रखते हैं हम। और दूसरी पावर था करने को ने पावर से माखने काय को पावर है। अगर रोड पे सांड खड़ोगे तो साधन बाईपास पे निकलोगे, ये तो पावर। काम काम था का बताओ। मारी दुर्गा मैया मतलब जितना भी दुनिया में बड़ा बड़ा निशाचर हो जाते माने कांटा पीटी को काम था कि दुर्गा माता ही कह रही थी। हाँ। खेमा को मतलब दुनिया में बड़ा बड़ा तो तभी कांड है ना, तो सारी माता जी अरे कांड को ना पाप को मिटाया है और माने ते पाप बड़ा वो काम कर क्यों और काय को करियो मामा पाप सभी क्रिया सिर्फ एक आशाराम कर दो जीसु के और भी तो ना रहला था के भी तो आई थी मोहरी भाई मोहरी भाई आई थी। हेलो कोई बात को सुन मारी बात है। जहाँ जहाँ अच्छाई है वहाँ वहाँ बुराई भी होती है, और जहाँ तब तक बुराई नहीं होती है तब तक अच्छाई की तरक्की भी नहीं होती है, इसलिए से बुराई होना भी जरूरी है। अब थारी दुर्गा माता को केबा को मतलब थे कि भाई काटा पीटी को काम करे थे। हाँ। लेकिन आपको इस बात का मालूम नहीं है कि देवतों के ऊपर राज भोलेनाथ करते हैं शंकर भगवान, समझ गई, और देवतों पे राज भोलेनाथ करते हैं, और देवतों को आशीर्वाद भी भोलेनाथ ही देते हैं कि जा भाई तू यहाँ कर थारा जमे जा ले जा आशीर्वाद में है। और वैसे खेत का मालिक बड़ा होता है ना कि लावणी करवाड़ो। अगर कोई आदमी ना पा 200 रुपए दिया वहां के भाई मेरा गऊ काट बचाल नो तने फसल मत या गऊ बेड़ा करना से तो बबड़ो है जे खेती को पाल पोषण बड़ो करे तो बोबल बड़ो है जे मालिक मालिक होता है ना, तो मालिक तो बोले ना थी तुम्हारी दुर्गा माता तो काटा पेटी का काम करती है। और सुनो दूसरे नंबर पे थोड़ा मजा आ जाए जब सवारियां में सुस्त मत रहो यार, ताली बजाओ करे हम भाई वास्तव में जवाब लगे से बोल। अब तो गई बात, अगली बार मजा आओ नंबर ये तो तैयार बैठे ना खोल अपना भी कभी वो छोड़ दियो। दूसरा नंबर पे सुनो सो जाओ थे तो। हाँ दूसरा नंबर बता फटाफट। जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। किसके पीछे है भी पागल छो। ओ माय गॉड लुगाइयों में ऐसी व्यवस्था है, हम में ही जाए हम जैसे पागल है और गए तुम्हारे पीछे। अरे जानो छोरे काचरी का बीज ऊपर बोल काचरी का बीज है बहुत बड़ो काचरी को बीच में अगर एक बार पेट में चल गो ने तो पच्चे को न्या काचरी को बड़ो रूप डोचरो छोटो ही खूब छे। चलो पता दूसरा नंबर की कुछ लक्ष्मी पीसा का बिना कोई को काम कौन चाले। अच्छा हाँ कौन चाला करे लगता ही कौन चाले पेट में कहीं खाओ से? रोटी पीस लक्ष्मी खा लो घर पे तेरी। और रोटी किसकी बनती है गेहूं की अन्न महाराज की। अन्न महाराज कहाँ पैदा होता है धरती में। धरती में कैसे होता है बीज सू नहीं पानी भी उपना सुनानी पड़ता है इंद्र महाराज की कृपा है। इंद्र महाराज को कौन बोलता है विष्णु भगवान जिसको पूरी सृष्टि का जिम्मा है पालनहार का वो चींटी से लेकर के हाथी तक का पेट भगवान विष्णु भरता है। और रही तेरी लक्ष्मी की बात तो तेरी लक्ष्मी कभी कैलेंडर में देखना विष्णु भगवान के पैरों में बड़ी बड़ी टाइम पास करते हैं उस टाइम। तीसरा नंबर पे सुनो काय की बुआ जी ताकि बुआ जी बताऊं पर डर जाओ। हां बता दे देखा जो सबको ज्ञान देती है कौन सरस्वती मैया क्या करती है ज्ञान देते है तुम्हारे गणेश बाबा से मिली। गणेश बाबू सूंड सुनाड़ो तून दुनाड़ो आधा पर्दा सामान तो तारे लेर चला जा रहा कहीं कहीं रिद्धि सिद्धि बुद्धि सुद्धि ज्ञान शान सब भंडार है। और प्रथम पूजनीय है दुनिया में कोई भी काम करो पहले गणेश जी को मनाओ नहीं तो काम विघ्न हो जाएगा। धरती पे सबसे बड़ी गौ माता अंडे कटे की गौ माता नहीं अब तरीका से जवाब लागो जो सागो माया लुगाई है इकी भेड़ होती तरी तो जो सालो जी नुचो ना जा उड़ता था के गौ माता माँ के पीछे सांड पिता सांड पिता काई करे था को सांड सारी गौ माता काई करे थे पहली बात तो मारी गौ माता की पूजा होया करे। अच्छा कब हो जा पूजा द्वाड़ी पे सिर्फ एक बार। अरे हमारा सांड तो रोज पूछता है जो जो आदमी भोलेनाथ के मंदिर में जाएगा और भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल चढ़ाएगा पंच परमेश्वर जहाँ अपन विराजते हैं वहाँ जाए देखना पंचायत के अंदर एक बाजू में नाडियो भी बैठ रहे थे दो ही छाटा फटको जाए वो सांड बाबा जो वो सांड बताइए बाबू उड़ाओ से कोई बात नहीं सुनो जवाब जवाब
जवाब पर जवाब लागे वो। माना कि वसुंधरा जी राजस्थान में राज कर रही है, यानी तुम्हारी गौ माता जो कि बहुत बड़ा प्लांट लेकर भी घूम रही है। कौन? दूध का खजाना लेके घूमती है। लेकिन आपको मालूम नहीं, जब तक हमारे मोदी जी का ठप्पा नहीं लगता जब तक तुम्हारे कोई विकास नहीं होता। अब तो कहीं बाजी बोल में एक बार जोरदार जय करो भगवान। कदी कदी जयकार लगो, ऐसे नहीं। हाँ, गलत बात। अब पता लगेगा कि जीता कौन है। ओ माँ की कटे की आवाज, पूरी आवाज काट दो। बोलिए सारी माता की। कतरी चलना ले चीमत जीता आदमी। हाँ बात ठीक जगह, ताकि सरकार पहले डूब रही जाए। बोले सावरी मैया की जय। इन्हें कहते जयकारो। खेती का बाप ये लगाया वो छाती में तो भरोसा की तड़ी। आइए चलते हैं फिर से कुछ मीठे मीठे भजन और डांस। हाँ जी, एक्सक्यूज मी प्लीज।